अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वर्दा खालिद और इस वक्त टीम ज़मीन जो है वो लाइव है इस्लामाबाद से। यहाँ पे मैरियट होटल क्रिस्टल बॉल रूम के अंदर जो है वो ज़मीन प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और आज इस इवेंट का सेकंड डे है। इसी इवेंट के हवाले से अभी जो है हमारे सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स नॉर्थ हसन दानिश साहब वो मीडिया से मुखातिब होंगे और हम आपको दिखाएंगे पूरी मीडिया कॉन्वर्जेशन। सो स्टे विद अस एज ही टॉक्स टू द मीडिया। सीनियर डायरेक्टर नॉर्थ हूँ, नॉर्थ के सारे रीजन के जो सारे हमारे जमीन डॉट कॉम के प्रोजेक्ट हैं इनको मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। मैं इस प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो पूरे इस पीरियड के अंदर जो हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ उनको प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम उनको उसके बारे में सारा उनको आगाही दे रहे होते हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है जहाँ पर वो आके खुद अपनी फैमिलीज के साथ वो खुद आके हमारे साथ बैठ के अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में हमसे डिस्कस कर सकें। तो इन प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का मकसद बेसिकली ये होता है कि क्लाइंट्स को हमारे सेल्स टीम के साथ जो है बैठाया जाए और उनको जो है वो जो मौके वो अपना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फॉर दे इन्वेस्टमेंट, उन सब के लिए हम उनको जो है इस जगह बैठा के एक्सप्लेन करें। और इसका एक और बहुत बड़ा मकसद ये है कि एक जब कस्टमर आता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है कि वो किसी एक फोकस के हिसाब से वो चीज़ें ना कर रहा हो, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों जहाँ से वो चूज़ कर सके कि वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। करंटली हम लोग इस इवेंट के ऊपर तकरीबन 12 के करीब हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे हम यहाँ पे लेके आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। इन दो दिनों के अंदर हम लोग स्पेशल डिस्काउंट्स भी दे रहे होते हैं एंड वो उनका मकसद बेसिकली ये है कि कस्टमर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पर प्रोवाइड की जाए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अगर हम लोग देखें इस टाइम पे कोविड के बाद से जिस टाइम से पीएम का पैकेज भी आया है, हमने मार्केट में स्पेशली इस्लामाबाद की मार्केट में इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट में हमने बहुत ज़रा इसमें तेज़ी देखी है। उस तेज़ी की वजह यह है कि लोग इस टाइम पे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं और जो इस टाइम पे इंसेंटिव प्लान आया है उसके भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। सो हम लोग की भी कोशिश यही है कि इस पीरियड के अंदर जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स ला के दे सकें और स्पेशली वो प्रोजेक्ट्स जो कि सारे अप्रूव्ड एनओसीज के साथ और सारे उनके जो है सारी लीगैलिटीज़ पूरी हुई हुई हैं उन सब प्रोजेक्ट्स को हम लोग ला के कस्टमर्स को दें ताकि वो एक तरफ इंसेंटिव प्लान को भी जो है उसका फ़ायदा उठा सकें और दूसरी तरफ जो है वो अपनी आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट को भी आगे लेके चल सकें। जिसमें साथ में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साथ लेके आए हैं फॉर कस्टमर्स जो कि हमारी मार्केट के अंदर बहुत ही उसका जो है वो चीज़ मिसिंग रही है, वो ये रही है कि हम लोग बैंक फाइनेंसिंग के ऑप्शन भी लेके आ गए हैं। हमने मल्टीपल बैंक्स के साथ पिछले थोड़े अरसे के अंदर एमओयू साइन किए हैं, उन एमओयूज़ का की वजह से जो है कस्टमर्स जिनके पास इतना कैपिटल मौजूद नहीं है कि इसको वो लोग जो है राइट अवे अप फ्रंट दे के कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकें या ऑफ प्लान प्रॉपर्टी जो है वो ले सकें, उनके लिए हमने मल्टीपल बैंक से एमओयूज़ किए हैं ताकि उनको जो है ये ऑप्शन दिया जाए एंड होम फाइनेंसिंग की तरफ जो है वो मार्केट को लेके आया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो आपकी मैसेस हैं उनके लिए जो है वो अफोर्डेबल प्रॉपर्टी को लेके आया जाए और हम उसके अगेंस्ट जो है वो बैंक फाइनेंसिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ जिसके अगेंस्ट हम लोग जो है हम लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना आसान कर सकते हैं।
सो ओवरऑल इस पूरे लास्ट एक साल के अंदर ऑलमोस्ट एक साल आने को हुआ है कोविड को, हमने बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी देखी है रियल एस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट के अंदर, या उसकी जो मार्केट तेज़ होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके साथ एसोसिएट कंसर्न्स कोई 50 से ऊपर कोई और आपकी जो है इस टाइम पे मार्केट्स हैं जो कि इससे ज़्यादा अटैच हुई हुई हैं, जिसकी वजह से जो है जब एक कोई प्रोजेक्ट बनता है या स्टार्ट होता है उसके अगेंस्ट तकरीबन कोई 50 के से ज़्यादा जो है आपकी जो बिजनेस है वो फ़रोग पाते हैं, जिसमें आपके जो है जो भी अगर आप किसी भी जगह पे आप जहाँ बैठे हैं अपने आस पास जो कुछ भी देखें वो सब जो है बिज़नेस आपके एक प्रोजेक्ट के बिल्ड होने के अंदर जो है उनको बिज़नेस मिल रहा होता है, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो इंशाल्लाह ऐसे इवेंट जो है हम लोग की हमारी कोशिश होती है कि हम हर क्वार्टर में एक दफ़ा लेके आते रहें, एंड इंशाल्लाह अगले क्वार्टर के अंदर भी हम लोग ऐसा कोई इवेंट लेके आएंगे जहाँ पर हम लोग बेहतर डिस्काउंट भी लेके आते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जहाँ लोग जो है आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का दिन भी हमारे पास है, आज शाम तक हम लोग यहाँ पे हैं, सो उम्मीद आई वुड वांट कि आप लोग आएँ और आके यहाँ पे जो है अपनी प्लान कर अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जी हमारे सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स नॉर्थ हसन दानिश साहब, और जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की वो आप सब ने सुनी। तो हमारे साथ रहें, हम अलग से भी उनका इंटरव्यू करेंगे और बात करेंगे उनसे इस इवेंट के बारे में। सो स्टे विद अस एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।